सभी शादीशुदा लोगों के लिए जरूरी अपडेट आ रहे हैं। दो बड़ी खबरें हैं दोस्तों, नए नियम। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा फैसला आया अबॉर्शन यानी गर्भपात को लेकर। इसके अलावा केरल हाई कोर्ट की तरफ से भी पति पत्नी के बीच अबॉर्शन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आ रहा। और देश भर के सभी शादीशुदा लोगों को ये दोनों बड़े अपडेट जरूर जान लेने चाहिए। देखिए पहली बड़ी खबर तो आपके अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि पत्नी जबरन संबंध बनाने से अगर प्रेग्नेंट हुई तो फिर गर्भपात की हकदार है वो, फिर उसको पति भी मना नहीं कर सकता और ना ही पत्नी के ससुराल पक्ष वाले पत्नी को अबॉर्शन करवाने से रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विवाहित और अविवाहित में भेद करना असंवैधानिक है। जिस तरह से अविवाहित लड़कियों को अविवाहित महिलाओं को उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करता है या पहले संबंध बनाकर फिर रिश्ते बिगाड़ देता, तो ऐसी लड़कियों को अबॉर्शन करवाने की कोर्ट अनुमति देती है, राइट, जिनकी शादी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि शादीशुदा और अविवाहित महिलाओं में लड़कियों में भेद करना असंवैधानिक है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से कुंवारी लड़कियां अपना अबॉर्शन गर्भपात करवा सकती हैं, उसी तरह से अगर पत्नी भी अनवांछित रूप से प्रेग्नेंट हुई है, वो नहीं चाहती थी कि अभी की प्रेगनेंसी रखी जाए, लेकिन अगर पति जबरदस्ती पत्नी के साथ संबंध बनाता है या ससुराल वाले पत्नी को जबरदस्ती दबाव डालकर प्रेगनेंसी के लिए फोर्स करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में पत्नी पति और ससुराल पक्ष की अनुमति के बिना भी अबॉर्शन यानी कि गर्भपात की हकदार होगी और वो अपना अबॉर्शन करवा सकती है। एक तो बड़ा फैसला ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एमटीपी एक्ट में मैरिटल रेप शामिल होना चाहिए। जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। वैसे आपको बता दूं, भारत में अबॉर्शन के कानून के कुछ चरण देखिए आप। 12 सप्ताह तक का अगर गर्भ है तो एक डॉक्टर की सलाह से कोई भी महिला अपना गर्भपात करवा सकती है। 12 से 20 सप्ताह तक के गर्भकाल में भी एक ही डॉक्टर की सलाह से काम चल जाता है। 20 से 24 सप्ताह तक के गर्भकाल में कुछ कैटेगरीज में दो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और 24 सप्ताह से ज्यादा का अगर भ्रूण हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल बोर्ड से सलाह ली जाती है और मामला कोर्ट तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचता है। अच्छा, महिलाओं के लिए गर्भपात को लेकर दूसरा बड़ा फैसला देखिए। केरल हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया एक अहम फैसला कि पति से अलग हुई पत्नी को भी अबॉर्शन के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब कि कई बार हमें समाज में इस तरह के मामले देखे जाते हैं जहां कानूनी तौर पर पति पत्नी के बीच तलाक भी नहीं हुआ होता है, ना ही कोई पत्नी विधवा हुई होती है। उस कंडीशन में भी पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और अलग अलग रहने लग जाते हैं। दोनों ये निर्णय बना लेते हैं कि अब वो जिंदगी में साथ नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक तलाक नहीं हुआ उस कंडीशन में भी अगर पत्नी गर्भवती है और पति पत्नी के बीच उनके समीकरण सही से नहीं बैठ रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी पत्नी गर्भपात की यानी कि अबॉर्शन की हकदार होगी। ऐसे परिस्थितियों में भी पत्नी को पति या किसी ससुराल पक्ष से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी अपने गर्भ को गिराने के लिए, है ना। तो पति पत्नी को लेकर उम्मीद है दोस्तों ये दो बड़े फैसले जरूर आपको जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और इसी तरह की काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।